कव्वाली की एक खास किस्म होती है जो फिल्मी कव्वाली होती है, यानी कि सवाल जवाब वाली कव्वाली। और हमारी अगली परफॉर्मर भी सवालों का पिटारा है। जी हाँ, अब उनके सवालों का जवाब तो मेंटर्स ही दे सकते हैं, वो भी उनके स्कोर्स के जरिए। फिलहाल हम इस परफॉर्मेंस में कोई देर नहीं करेंगे और जल्दी से बुला लेंगे हमारी अगली परफॉर्मर, शफकत की शान, स्नेहा शंकर फ्रॉम इंडिया। आप बात है, आज तो कुछ कमाल हो गया। थैंक यू शंकर जी। और इसको देखो तो सही ना, मतलब है इतनी सी और क्या मतलब महफिल जमा दिया इसने। कमाल गया, कमाल गया। ऑडियंस देखा आपने, ऑडियंस की तरफ देखा, पागल हो रहे थे सब सीटी वीटी बजा के। थैंक यू, माइंड ब्लोइंग। शफकत जी, अनार। और आज किसने चला दिया इसको आज? थैंक यू सर। आह, और वाह वाह वाह। थैंक यू।
सीटी भी आ गई और अरे वाह, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। अच्छा कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ शायरी की तरफ चले या आज कोई सवाल करोगी? शायरी सुनाइए, बहुत दिन से नहीं सुनी। स्नेहा हम आपके सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते हैं यूजुअली, मैं तो चाहूंगी कि आपको रिहर्सल करते देख एक चीज नोटिस की मैंने, वो ये है कि आप जो हमारे दादा लोग हैं यहाँ पे सबकी कॉपी करती है। अरे सर, आप कह रही हूं। चल चल, मेरा कैसे कॉपी करती है बताओ? आपका अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया। लो, बहुत बहुत स्मार्ट है ये, मेंटर्स का नहीं ऑब्जर्व किया। म्यूजिशियंस सारे दादा के आते हैं। बोलो बोलो बोलो, अनुप जी का बोलो। अच्छा गिरीश दादा, चाहूंगी गिरीश दादा कुछ बजे और मैं उनकी एक्टिंग करूँ। बजा बजा बजा। क्या बात है। डैनी भैया को अगर कुछ भी बोलेंगे ना तो एकदम गुस्से जैसा फेस बनाएंगे वो, कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। डैनी मुझे गाना दे देना ये। और रिंकू भैया वो एकदम घबरा के बजाते हैं, ऐसे कुछ पार्ट होगा ना जैसे आप तारीफ करते हैं वैसा पार्ट, तो एकदम और उनका ये ऊपर हो जाएगा।